मैं मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू में काम करता हूँ और अक्सर मुझे वहाँ अजीब अजीब से कस्टमर्स का सामना करना पड़ता है। मैं अक्सर डे शिफ्ट में काम करता हूँ। मंगलवार की एक दोपहर को ज्यादा कस्टमर नहीं थे। तड़पती धूप होने की वजह से मैं बाहर नहीं जा सकता था। मैं YouTube पर कुछ वीडियोस देख रहा था जब सड़क के किनारे पर एक गाड़ी आकर रुकी। पहले तो मुझे लगा कि कोई गाड़ी से उतरकर बाहर निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो गाड़ी कुछ सेकंड्स के लिए वहीं खड़ी रही और फिर एक बार उसका इंजन स्टार्ट हुआ और वो मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू की तरफ आई। जैसे ही वो गाड़ी मेरी खिड़की के पास आकर रुकी तो मैंने देखा कि एक अजीब सा दिखने वाला आदमी ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था। उसके सर पर घुंघराले बाल थे जो एक विग लगा रखा था और उसने माइकल जैक्सन वाले कपड़े पहने हुए थे। उसके पूरे चेहरे पर सफेद पेंट किया हुआ था ताकि वो ठीक माइकल जैक्सन जैसा दिख सके। उसने काफी बड़ा चश्मा भी पहना हुआ था। हालांकि वो देखने में एमजे जैसा ही लग रहा था, लेकिन फिर भी उसकी दाढ़ी ठीक से नहीं बनी हुई थी और वो काफी गंदा भी था। इतनी दूर से भी मुझे उसमें से जानवर जैसी बदबू आ रही थी। उसने अपना चश्मा उतारा और मुझे अजीब तरीके से मुस्कुरा कर देखा और फिर एमजे की आवाज में नकल करते हुए कहा, हेलो, क्या ये आउटलेट खुला हुआ है? हाँ, क्यों नहीं, मैकडॉनल्ड्स में आपका स्वागत है। आप क्या लेना पसंद करेंगे? मैं बच्चों की एक मील लूंगा। माफ कीजिए, बच्चों की एक मील, क्या तुम्हारे पास वो है? जी, हमारे पास है सर, लेकिन तुम मुझे माइकल बुला सकते हो। मुझे इस आदमी से घिन आ रही थी और अब ये आदमी बच्चों की मील मांग रहा था। इस बात को जानकर मुझे और भी अजीब लगने लगा था, लेकिन आखिरकार मैं यहाँ पर लोगों को उनका ऑर्डर देने के लिए हूँ, इसलिए मैंने उससे झिझकते हुए कहा, ठीक है माइकल, बच्चों की मील के अलावा क्या आप और कुछ लेना चाहेंगे? और तब पहली बार उसने गाड़ी के पीछे वाली सीट की तरफ मुड़कर देखा और मुझे पता चला कि उसके साथ एक छोटी बच्ची बैठी हुई है। वो काफी डरी हुई लग रही थी और हिल भी नहीं रही थी। उस आदमी ने उससे मुस्कुरा कर पूछा, क्या तुम साथ में और कुछ लेना चाहोगी मेरी परी? उस बच्ची ने अपना सर हिलाकर मना कर दिया और फिर वो आदमी उस पर चिल्लाने लगा, मुझे तुम्हें कितनी बार ये कहना पड़ेगा कि जब भी मैं तुमसे कोई सवाल पूछूं तो उसका जवाब बोल कर दिया करो, मुझे मम्मी के पास जाना है। वो बच्ची रोने लगी और मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उस बच्ची को रोता हुआ देखकर वो आदमी एकदम से शांत हो गया और उस बच्ची से प्यार से बात करने लगा, लेकिन उसकी आवाज अब भी डरावनी थी। रो मत, तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे डैडी तुमसे कितना प्यार करते हैं। मम्मी ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया डार्लिंग। चलो अब चुप हो जाओ, डैडी तुम्हें डिज्नीलैंड ले जाएंगे और हम दोनों एक साथ बहुत मजे करेंगे, ठीक है? ओके। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, शो खत्म हो गया है मिस्टर, जाओ जाकर हमारा खाना लेकर आओ। क्या सब कुछ ठीक है सर? क्या ये आपकी बेटी है? मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे माइकल बुलाओ, और वो मेरी बेटी है या नहीं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बेवकूफ मैकडॉनल्ड्स का कर्मचारी कहीं का। मैं समझ गया था कि अगर मैंने इसे ज्यादा पंगे लिए या फिर उस बच्ची के बारे में पूछा तो ये वहां से चला जाएगा और मैं इस बेचारी बच्ची की कोई मदद नहीं कर पाऊंगा अगर उसे मेरी मदद की जरूरत है तो। इसलिए मैं उससे बहुत ही संभल कर बात करने लगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो माइकल, ये मेरा काम नहीं है, मैं तुमसे अपने इस बर्ताव के लिए माफी मांगता हूँ। आप इंतजार कीजिए, मैं आपका खाना लेकर आता हूँ। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। ऐसा कहने के बाद उसने मुड़कर उस बच्ची की तरफ देखा और कहा, तुमने देखा ना बेटी, जब पापा लोगों पर चिल्लाते हैं उन्हें तभी बात समझ में आती है, इसलिए इसमें डैडी की कोई गलती नहीं है। इस दुनिया में अपनी बात रखने के लिए आपको चिल्लाना ही पड़ता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं खिड़की से दूर हो गया ताकि मैं 911 पर फोन कर सकूं। मैं डीप फ्रायर में चिकन के कुछ नगेट्स डाल रहा था ताकि उस आदमी को लगे कि मैं उसका खाना बनाने में व्यस्त हूं। वो अपनी अजीब सी आवाज में बिली जीन गाना गाने लगा। बिली जीन इज नॉट माय लवर, शी इज जस्ट अ गर्ल हु क्लेम्स दैट आई एम द वन, बट द किड इज नॉट माय सन, शी सेज आई एम द वन, बट द किड इज नॉट माय सन, शी सेज आई एम द वन, बट ये अच्छा मौका था। उस आदमी को कोई अंदाजा नहीं था कि मैं पुलिस को फोन मिला रहा हूँ। वो गाना गाता रहा और मैं 911 पर फोन करके उन्हें सारी बात समझा दी। हाँ, मुझे लगता है कि उसने उस बच्ची को अगवा किया है। क्या तुम्हें उसके पास कोई हथियार दिखाई दिया? अभी तक तो नहीं। आप प्लीज पुलिस को यहाँ भेजिए, वो छोटी बच्ची खतरे में है।
मैं फौरन पीछे मुड़ा और मैंने देखा कि एमजे का वो पागल फैन ड्राइव थ्रू की खिड़की से आधा अंदर आ चुका था। उसके हाथ में एक चाकू था और वो छोटी बच्ची जोर जोर से रो रही थी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुमने पुलिस को फोन क्यों किया? क्या आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता? ऐसा कह के ही वो पूरी तरह से अंदर आ गया और मेरे ऊपर कूद गया। मेरा फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया, लेकिन मैं अब भी 911 से कनेक्टेड था। आदमी की आंखों में खून उतर आया था। वो नरक से आया माइकल जैक्सन लग रहा था। उसने एक हाथ से मेरा गला पकड़ा और वो मेरा गला उस चाकू से काटने के लिए पूरी तरह तैयार था। प्लीज रुक जाओ, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें पता चलेगा कि क्या हश्र होता है जब हम किसी की जिंदगी में दखल देते हैं। अब तुम मरो। उसने मुझे चाकू मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना हाथ आगे करके खुद को बचा लिया, जिसकी वजह से मेरे हाथ पर बड़ा सा घाव हो गया। मैं दर्द में चिल्लाया और मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे मारने के लिए एक और प्रयास करने वाला है और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मैंने उससे दूसरा मौका दिए बगैर उसके गंदे बाल खींचे और जोर से उसकी नाक में मुक्का मारा। वो अपनी नाक पकड़कर चिल्लाने लगा और इस मौके का फायदा उठाकर मैंने चाकू अपने हाथ में ले लिया। मैंने उसे धमकाया, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ठीक है, मुझे कुछ मत करना, प्लीज मुझे कुछ मत करना। कुछ मिनट बाद पुलिस आ गई और उन्होंने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। उस छोटी बच्ची को पुलिस स्टेशन ले गए, जहाँ उसकी मॉम उसे लेने आई थी। पता चला कि माइकल जैक्सन का वो पागल फैन दरअसल उस बच्ची का बाप ही था। उसके अंदर माइकल जैक्सन का भूत सवार था। उसकी बीवी ने उसके इस बर्ताव की वजह से उसे तलाक दे दिया और अब वो उससे कोई भी नाता नहीं रखना चाहती थी। लेकिन उस आदमी ने अपनी ही बेटी को अगवा करके बहुत दूर चले जाने का फैसला कर लिया। मैं खुश था कि मैं उस बच्ची को उस आदमी से बचाने में सफल हुआ, लेकिन मुझे इस बात का दुख हुआ कि उस बच्ची को अपनी पूरी जिंदगी इस भयानक मेमोरी के साथ जीनी पड़ेगी। एक पेरेंट होना कोई आसान काम नहीं है। आपको हमेशा अपने बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखना पड़ता है। एक बुरी शादी से निकलने के बाद मुझे आखिरकार अपने लिए एक सही साथी मिल गया। मेरे हस्बैंड ग्रेग मुझे और मेरी बेटी एला से बहुत प्यार करते हैं। जबकि वो एला के सौतेले डैड हैं, लेकिन वो उसका ख्याल किसी सगे डैड से भी ज्यादा रखते हैं। हम एक बहुत ही खुश परिवार थे। हर वीकेंड पर हम मॉल जाया करते थे, कभी कोई फिल्म देखने तो कभी गेम्स खेलने। वापस आते हुए हम किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में रुकते और डिनर करते थे। अब ये हमारी हर बार की आदत बन गई थी। मेरी बेटी एला को फास्ट फूड बहुत पसंद था और उसका मन पसंद था मैकडॉनल्ड्स। वो हमेशा हमें वहां ले जाने की जिद करती, सिर्फ वहां खाने के लिए नहीं बल्कि हैप्पी मील के खिलौनों के लिए भी। हालांकि अब वो उसके लिए बड़ी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं उसे हैप्पी मील लेकर देती थी सिर्फ उसके चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए। तो एक शुक्रवार को हम हमेशा की तरह मॉल में घूम रहे थे, जब मेरे पति ने एक स्विम सूट की दुकान की तरफ इशारा किया। वो मेरे साथ मस्ती कर रहा था और मैं शर्माने लगी। हम हंस रहे थे और एक स्विम सूट लेने के बारे में सोच रहे थे, जब मैंने एला की आवाज सुनी। वो एक अजीब से दिखने वाले आदमी से बात कर रही थी। उसने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी और वो दिखने में डरावना लग रहा था। वो लोग मेरे काफी करीब खड़े हुए थे। मेरे पति दुकान से मेरे लिए स्विम सूट खरीदने चले गए और मैं बाहर रुककर इस आदमी पर नजर रख रही थी। तो मैं कभी अपनी बेटी पर चिल्लाती नहीं हूँ, मैं हमेशा उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करती हूँ, वो भी उसे बिना डराए। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं एला को अपने पास वापस बुलाए बिना उस आदमी पर नजर रखूंगी। मैं रूड नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैं उनकी बात अपने आप खत्म होने का इंतजार करने लगी। शुरुआत में उनके बीच काफी आम बातें हो रही थी। तो तुम कितने साल की हो प्यारी बच्ची? मैं 6 साल की हूँ। मेरी एक बहन भी है, लेकिन अभी वो मेरी नानी के साथ है। ओह, तो ये बात है, फिर तो तुम बड़ी बच्ची हो गई हो। तुम्हारा मनपसंद रंग कौन सा है? नीला। और आपका? मेरा तो लाल है। जानती हो क्यों? अभी तक सब कुछ आम चल रहा था और मुझे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर अचानक हर चीज ने एक अजीब सा मोड़ ले लिया। उस आदमी के मनपसंद रंग के पीछे की कहानी जानने के लिए उत्सुक एला ने पूछा, क्यों बताओ मुझे? क्योंकि वो खून का रंग होता है। क्या तुम जानती हो खून क्या होता है? हाँ, हमारी टीचर ने हमें बताया है कि वो हमारी नसों में दौड़ता है। बिल्कुल ठीक जवाब, लेकिन हम उसे बाहर से नहीं देख सकते। अगर हम खून देखना चाहते हैं तो हमें खुद पर एक कट लगाना पड़ता है, और सच कहूं तो इसमें बहुत मजा आता है। ये सब बातें सुनकर मेरा चेहरा फीका पड़ गया और मैं फौरन उनके पास गई। मैं इस बात से बहुत गुस्सा थी कि एक आदमी कैसे एक 6 साल के बच्चे से ऐसी बात कर सकता है, और मैं खुद को रोक नहीं पाई।
ऐसे शब्द बच्चे के दिमाग पर बुरा असर छोड़ सकते हैं, इसलिए मैंने अपने आपा खो दिया और उस आदमी को थप्पड़ मार दिया। इस तरह अचानक पड़े थप्पड़ की वजह से वो आदमी चिल्लाया, क्या बदतमीजी है, क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि 6 साल के बच्चे से इस तरह से बात करनी चाहिए कि खून देखने के लिए खुद को काट लो, किस तरह के पागल इंसान हो तुम। लोग ये सब देखने के लिए वहां जमा हो गए। मैं उस आदमी पर चिल्लाती रही और मेरी आवाज सुनकर मेरे हस्बैंड भी बाहर आ गए। मैंने उस आदमी की बहुत बेइज्जती की और हैरानी की बात यह थी कि उसने एक शब्द भी नहीं बोला, बस उसकी आंखें मुझे गुस्से भरी नजरों से देखती रही। जैसी उसने देखा कि और भी लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं, वो आदमी वहां से चला गया। मेरे हस्बैंड ने पूछा कि क्या उसने हमारी बेटी के साथ कोई उल्टी सीधी हरकत की, तब मैंने उसे बताया कि बस उससे अजीब और गलत बातें कर रहा था जो हमारी बेटी के लिए ठीक नहीं थी। एला उदास हो गई और मैं नहीं चाहती थी कि उसे लगे इसमें उसकी कोई भी गलती है। मैंने उसे गले लगाया और उसे कहा कि ये उस आदमी की गलती है और उसे वही मिला जिसके वो लायक था। मैं जल्द ही शांत हो गई और सबका मूड अच्छा करने के लिए हमने मैकडॉनल्ड्स जाने का फैसला किया। उसका स्टोर पास ही में था, इसलिए हमने अपनी गाड़ी लगाई और अंदर चले गए। जैसे ही हम बैठे, हमने एला के लिए उसका पसंदीदा हैप्पी मील और अपने लिए बर्गर और फ्राइज ऑर्डर कर दिए। मॉल में मिला वो आदमी मेरे दिमाग से निकल चुका था। हम एक खुश परिवार की तरह बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, साथ ही साथ अपना खाना आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ मिनट के बाद आखिरकार हमारा खाना आ ही गया। देखो मम्मी, मुझे मिनियन मिला। एला ने मुझे वो प्यारा सा छोटा सा पीला खिलौना दिखाया और वो उसे पाकर बहुत खुश थी। बहुत अच्छे, चलो अब अपना खाना खत्म करो। हमने खाना शुरू किया, लेकिन एला एक बच्ची थी इसलिए उसे अपना खाने के साथ खेलना पसंद था। वो पहले हमेशा ऊपर का बन हटाकर मीट पैटी खाती और फिर बाकी बर्गर, और इस बार भी उसने ऐसा ही किया। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर का बन हटाया, मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना, ईव, डैड, डैड, मेरे बर्गर में पैर का एक नाखून है। क्या? मेरे हस्बैंड और मैंने फौरन उसकी पैटी की तरफ देखा और जो हमने देखा उसे देखकर मुझे उल्टी करने का मन हो गया। उसकी पैटी में वाकई एक गंदा खून से भरा पैर का नाखून था। हम बहुत समय से मैकडॉनल्ड्स आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया था। मैंने अपने हस्बैंड को चिल्लाते हुए सुना, कहाँ है ये मैनेजर? किस तरह का घटिया मजाक है ये? सर, क्या क्या हुआ सर? वहां का मैनेजर भागते हुए हमारे पास आया। मेरी बेटी के बर्गर में एक घटिया नाखून कैसे आया? क्या तुम लोग पागल हो? किस तरह की सर्विस है ये? जब मैनेजर को पता चला कि हमारे बर्गर में हमें नाखून मिला है, तो बाकी सभी कस्टमर्स ने भी खाना छोड़ दिया और इस लापरवाही के खिलाफ आवाज उठाने लगे। मैनेजर ने किचन में काम कर रहे शेफ को चिल्लाकर बुलाया, कहाँ है शेफ? लेकर आओ उसे, मुझे उससे बात करनी है अभी। और तब मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। वो शेफ और कोई नहीं बल्कि मॉल में मिला वही पागल आदमी था जिसे मैंने थप्पड़ मारा था। वो लंगड़ाते हुए हमारी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी और तब मैं समझ गई कि उसने हमें यहाँ आते हुए देखा और हमसे उस थप्पड़ का बदला लेने का फैसला किया। लेकिन वो पैर का नाखून था किसका? और तभी मेरा ध्यान उसके बाएं पैर की तरफ गया और तब मुझे पता चला कि वो लंगड़ाते हुए क्यों आ रहा था। उसके पैर के अंगूठे से खून निकल रहा था। उस पर कोई नाखून नहीं था, नाखून के नीचे का लाल मांस खुला हुआ था। उस आदमी ने पहले मेरी तरफ देखा और फिर एला की तरफ। अब तुमने देखा प्यारी बच्ची, ये होता है खून, ये लाल रंग का होता है और यही मेरा पसंदीदा रंग है। एला रोने लगी और मैं भी कुछ कहने के लिए बहुत डरी हुई थी। मैनेजर ने पुलिस को फोन किया और उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। मुझे आज भी याद है जब पुलिस उसे ले जा रही थी, तब उसने मेरी तरफ देखकर अपना हाथ लहराया। वो आखिरी बार था जब मैं अपने परिवार को मैकडॉनल्ड्स लेकर गई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है, लेकिन मैं अब कभी भी मैकडॉनल्ड्स पर नहीं खा पाऊंगी। जितना मुझे याद है, मैं हमेशा से ही इस तरह की इंसान रही हूँ जिसके पास हमेशा से ही कोई ना कोई कहानी बताने के लिए रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह मेरी बुरी किस्मत है और कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी, लेकिन सच तो यह है कि मुझे हमेशा से ही ऐसी चीज़ों में रहने का शौक रहा है जिसमें जोखिम और जिसे करके मज़ा आए, फिर चाहे वो कुछ खतरनाक ही क्यों ना हो। मुझे इस बात पर गर्व है और सभी को इस बारे में जानकर मज़ा आता है। लेकिन एक बार ऐसी जगह जहां मैंने कुछ होने की उम्मीद भी नहीं की थी, वहां मेरी जान तक पर बनाई थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम नहीं चाहती कि मैं आकर तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? इस टाइम पर बाहर निकलना काफ़ी खतरनाक है। ऐसे तो तुम्हारा भी इस वक्त घर से निकलना खतरे से खाली नहीं है, या तुम ज्यादा ही बहादुर हो। चिंता मत करो, मैं बस मैकडॉनल्ड्स तक जाऊंगी। वैसे भी जब से मैं उठी हूँ, मेरा बर्गर खाने को मन कर रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम अपना ख्याल रख सकती हो, लेकिन तुम मुझे चिंता करने से नहीं रोक सकती। सच में तुम परेशान मत हो, मैं वादा करती हूँ कि मैं घर लौटते ही तुम्हें मैसेज करूंगी, ठीक है?
भूख से बेहाल होकर मैं पास वाले मैकडॉनल्ड्स तक जाने के लिए निकल गई। वो मेरे घर से सिर्फ 10 ब्लॉक की दूरी पर था। वो जगह पूरी रात खुली रहती थी और अपने बॉयफ्रेंड की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए मैंने अपनी गाड़ी बाहर लगाई और अंदर चली गई। हे, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो सोफी? हे एलन, हमेशा की तरह मुझे भूख लगी थी और अपने लिए कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था। क्रिस तो काफी डरा हुआ होगा। हाँ, लेकिन अब जो है सो है। कुछ मिनट तक इंतजार करने के बाद मैंने अपना खाना लिया, अपने दोस्त को गुड बाय कहा और वापस अपनी गाड़ी की तरफ चलने लगी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंची, किसी चीज ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। मेरे सामने एक और गाड़ी लगी हुई थी और उस गाड़ी का इंजन भी चल रहा था और उसके अंदर कोई था जो मुझे देख रहा था। हालांकि रेस्टोरेंट के पार्किंग लॉट में रोशनी थी, लेकिन उसकी गाड़ी की तरफ काफी अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस गाड़ी के अंदर कुछ है जो बाहर की रोशनी को खुद से दूर फेंक रहा है। मैं बस एक ही चीज देख पा रही थी, दो भयानक आंखें मुझे घूरती हुई, जैसे कि उस गाड़ी में कोई जानवर हो जो मुझ पर हमला करने के लिए तैयार है। नहीं, बिना दो बार सोचे मैं अपनी गाड़ी में बैठी और मैंने खुद को लॉक कर लिया। मैं इंजन शुरू करके निकलने ही वाली थी, जोर से आ रही आवाज ने मेरा ध्यान फिर से उस गाड़ी की तरफ लगा दिया। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और उत्सुकता के साथ देखने लगी। वो आंखें अब मुझे नहीं देख रही थी, लेकिन वो शोर उसी गाड़ी से आ रहा था, जैसे कोई अंदर से गाड़ी को मार रहा हो। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या इस गाड़ी में कोई जानवर है? ऐसा लगा जैसे मेरी बात किसी ने सुनी और उसके जवाब में उस गाड़ी का एक दरवाजा खुला। जैसे उसके अंदर से कोई निकल कर आया, मानो कुछ सेकंड्स के लिए शांति हो गई। गाड़ी के पीछे वाली सीट से बाहर निकलकर उस आदमी ने इधर उधर देखा। वो कुछ कंफ्यूज और गुस्से में लग रहा था। वो शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि बिना किसी चेतावनी के वो आदमी आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। हे एलन, क्या तुमने ये सुना? मुझे लगता है कि तुम्हें सिक्योरिटी को बुलाना चाहिए। बाहर एक आदमी पागलों की तरह चिल्ला रहा है। क्रिस जब ये देखेगा तो पागल हो जाएगा। इससे पहले कि मैं ज्यादा कुछ कर पाती, वो आदमी गाड़ी की छत पर चढ़ गया और मुझे घूरते हुए पागलों की तरह चिल्लाने लगा। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इतने में वो आदमी गाड़ी की छत से कूदा और किसी पागल जानवर की तरह मेरी तरफ भागने लगा। क्योंकि वो ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उसे मुझ तक पहुंचने में 2 सेकंड्स लगे, लेकिन वो 2 सेकंड भी ऐसे लग रहे थे जैसे एक जन्म। किस्मत से मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैंने वहां से भागने ही सही समझा। जैसे ही मैं आगे निकली तो मैंने अपनी गाड़ी में जोर का झटका महसूस किया, लेकिन इससे ज्यादा उस आदमी ने कुछ नहीं किया। मैं पहले ही उसे पीछे छोड़कर आगे निकल चुकी थी। डरते हुए मैं अपने घर के नीचे पहुंची और बिना गाड़ी से बाहर निकले मैंने चैन की सांस ली। मैंने ताजी हवा लेने के लिए दरवाजा खोला और अपना फोन उठाया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा। वो मेरी जिंदगी का सबसे तंग दिन था। जैसे ही मैं एलन के साथ हो रही चैट पर गई, मैंने देखा कि उसने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा हुआ है, इसलिए मैंने उसे सुनने के लिए बटन दबाया। सोफी, तुम कहां हो? गाड़ी से बाहर मत निकलना। एक गार्ड ने तुम्हें गाड़ी लेकर निकलते हुए देखा। वो आदमी अपनी गाड़ी के पास नहीं था, वो तुम्हारी गाड़ी की छत पर है। वो आदमी जो मेरे पीछा कर रहा था, जिस पर हंसकर मैं उसकी वीडियो बना रही थी, वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं मजबूर थी, मैं पीछे रेंगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। मैं उसे देख रही थी और वो मुझ पर हमला करने के लिए तैयार था। अचानक जैसे ही मेरी किस्मत अच्छी हो, एक गाड़ी हमारी सामने आकर रुकी और उसमें से 3 नौजवान उतरे और उस आदमी के पास आए जो मेरा पीछा कर रहा था। हे, क्या परेशानी है तुम्हें? इस लड़की को अकेला छोड़ दो। बहुत ही क्रूरता और ताकत के साथ उस आदमी ने एक लड़के को उठाकर दूर फेंक दिया जो मुझे बचाने आया था। बाकी के 2 लड़के भी उसके सामने आकर खड़े हो गए ताकि उस पागल को रोक सके, लेकिन कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। वो उन्हें ऐसे उठाकर फेंक रहा था जैसे वो कोई मक्खी हो। वो आदमी एक बार फिर अकेला था ठीक मेरे सामने। मुझे अपनी शैतानों जैसे नजरों से देखते हुए ना जाने अब वो मेरा क्या हाल करेगा, लेकिन मैं उसे अपने साथ कुछ भी करने नहीं दूंगी। हमेशा की तरह जब भी मैं रात को अकेले बाहर जाती हूँ, खुद को ऐसी सिचुएशंस के लिए तैयार रखती। भला उन 3 लड़कों का जिनकी वजह से मुझे सोचने का मौके मिला, और मैंने अपनी जेब से टेजर गन निकाल ली। मैं अपने घर की तरफ भागी और मैंने खुद को अंदर से बंद कर दिया। वो 3 लड़के भी फौरन अपनी गाड़ी में जाकर बैठे और वहां से निकल गए। उनमें से एक के हाथ में फोन था, शायद उसने पुलिस को फोन कर दिया था। तब तक जैसे उस आदमी को कुछ हुआ ही ना हो, वो उठा मेरे दरवाजे पर गुस्से से जोर जोर से बुक्की और लात मारने लगा। जैसे ही मुझे लगा कि अब वो दरवाजा टूटने ही वाला है, मैंने पुलिस की गाड़ी का सायरन सुना और 2 पुलिस वालों ने मिलकर उसे रोक लिया।
पुलिस कभी यह पता नहीं लगा पाई कि वो आदमी कौन था या फिर वो वहां क्या कर रहा था। मुझे बाद में पता चला कि उसे एक पागल खाने में भर्ती करवाया गया था और शायद वो कभी वहां से बाहर ना निकल पाए। जिस गाड़ी में वो था वो उसकी नहीं थी, लेकिन पुलिस ये भी पता नहीं लगा पाई कि वो किसकी थी। जहां तक मेरी बात है, मैं अभी भी रात को बाहर खाना खाने जाती हूँ, लेकिन जब भी मैं किसी को अजीब बर्ताव करते हुए देखती हूँ, मैं अपना फोन साइड पर रख कर वहां से जल्द निकल जाती हूँ।